दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिनेंस मैनेजर। ठीक है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक फिनेंस की मैनेजर की। ठीक है, तो जो फिनेंस मैनेजर दोस्तों होता है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी में उसको फिनेंस के लिए। ठीक है, उससे वो हेल्प करता है कि जो फाइनेंशियल गोल होंगे उसको मीट करने में फाइनेंस मैनेजर हेल्प करेगा, या फिर फ्यूचर में कितना फाइनेंस की जरूरत होगी वो भी, बजट कितना लगेगा, A to Z जितने भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं सारे चीज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मैनेजर होगा वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा और मैनेज करने में हेल्प करेगा। चलिए एक एक करके जानते हैं कि उसका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होता है। पहला, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, डेवलप एंड मैनेज एंड ओवरसीज द कंपनी बजटिंग प्रोसेस, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस का मतलब एक रिपोर्ट बनाएगा और उसका एनालिसिस करेगा कि हमको कितना फंड चाहिए, फंड कहाँ से आएगा और हमको किधर फंड को इंश्योर करके मतलब लगा देना है, मतलब हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। पहला उसका काम तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि फिनांस की जो प्लानिंग और एनालिसिस करना कि फ्यूचर में हमको कितने अमाउंट की नीड हो सकती है किसी भी काम के लिए। ठीक है, अगला जो मैंने यहाँ पे दिया वो दिया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। दूसरा जो उसका काम होगा दोस्तों फाइनेंस मैनेजर का, वो इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट कि प्रोजेक्ट पे हमको कौन से प्रोजेक्ट पे कितना अमाउंट लगाना है। ठीक है, हमको अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो उस पर कितना इन्वेस्ट करना है, क्या टेक्नोलॉजी खरीदने लायक है नहीं है, हर चीज डिसाइड करना, मतलब हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना, ये हमको कहाँ से पता चलेगा, ये फाइनेंस मैनेजर हमको बताएगा, उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, रिस्क की भी असेसमेंट करता है, रिस्क कैसे असेसमेंट करता है, इवेल्युएट द रिस्क एसोसिएटेड विद पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंड स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट देम। यहाँ पे दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट करता है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है फाइनेंस से रिलेटेड तो पहले से वो प्रिपेयर करके प्लान रखता है और बताता है कंपनी को कि हमको ऐसे ऐसे करना है ताकि हम जो रिस्क आई है उसको हम मिटिगेट करके मतलब ओवरकम कर पाए उससे। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों फिनांसिंग डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये डिसीजन लेना है, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट मिक्स और डेप्ट एंड इक्विटी फिनांसिंग टू सपोर्ट द कंपनी ग्रोथ एंड ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल साधा ये बताया गया कि फाइनेंस जो मैनेजर होगा उसको फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे डिसीजन लेना है कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्ट भी ना हो और इक्विटी से भी उसका काम हो सके, मतलब डेप्ट और इक्विटी ज्यादा उसका बढ़े भी ना और फाइनेंशियल पोजिशन जो कंपनी का अच्छा होता है, डे टू डे एक्टिविटी भी मीट हो पाए, एक ऐसा डिसीजन लेना है फिनांस मैनेजर को। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया वो दिया हुआ है कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो कंपनी में कितना हो रहा है कि हमारा शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है या ऑपरेशनल नीड है उसको हम इजिली मीट कर पाए। ठीक है, कैश फ्लो का मैनेजमेंट देखना कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है ताकि हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो इजिली अचीव हो पाए, ये एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पांचवा अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंसेस। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि हमको प्रिपेयर करना है अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट, इससे क्या होगा दोस्तों अगर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर मिलेगा या एक्यूरेट हमारा इनकम स्टेटमेंट मिलेगा, बैलेंस शीट होगी, तो उससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसा है, हमारे से स्टेक होल्डर कितने आ सकते हैं, कंपनी का पोजिशन क्या है, ग्रोथ कैसा है, हम इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, टोटल फाइनेंशियल रिपोर्ट करना, मतलब जितने भी फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या फिर फाइनेंस रिलेटेड वर्क है इन्वेस्टमेंट है सबका एक रिपोर्ट तैयार करना, इससे हमारा क्या होगा कंट्रोल भी होगा और हम आगे फ्यूचर में इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे अगर हमको कोई फाइनेंशियल नीड की जरूरत पड़ती है या फिर इन्वेस्टमेंट की तो। ठीक है, यहाँ पे छठा पॉइंट जो मैंने दिया वो दिया है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द कंपनी सच एज क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क। यहाँ पे दोस्तों यही बताया गया सिंपल साधा कि हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना करते रहना है, जो फाइनेंस मैनेजर होगा अपना रिस्क मैनेजमेंट करते रहेगा कि फ्यूचर में कोई फ्लक्चुएशन वगैरह ना आ जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो जाए मार्केट में, एक्सचेंज रेट में कोई कमी या बढ़ोतरी ना हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन ना हो जाए जिससे फाइनेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए पहले से स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलते रहना चाहिए और मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली कि जो हमारा रिस्क है वो ज्यादा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसमें ये काम होता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना होता है जो हमारा मैनेजर होता है। ठीक है, सातवां जो पॉइंट दिया वो दिया मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये जो मैंने दिया है कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सपोर्ट द कंपनी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल साधा ये बताया गया है कि कंपनी को या जो मैनेजर है उसको एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है कि फ्यूचर में जो उसकी प्लानिंग होने वाली फ्यूचर के लिए वो काफी अच्छी हो सके कि कहाँ पे कितना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है फिनांस की, उससे हमको फायदा हो और कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो इजिली अचीव हो जाए, या फिर हमको कोई कंपनी खरीदनी है या बाई करनी है, मर्ज करनी है, तो उसमें कैसे हमको कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, A to Z सारी चीजों के यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का वो यहाँ पे मैनेजर ही करेगा। ठीक है, अगला जो टर्म यहाँ पे दिया गया है दोस्तों मैंने जो दिया है आठवां दिया है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। ठीक है,
यहाँ पे लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा एक आउटकट टॉपिक आपको लग रहा होगा, लेकिन तब भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटी इसमें होती क्या है, लीड एंड मैनेज द फाइनेंस टीम, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सपोर्ट एंड डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी। जो भी फाइनेंस की टीम होगी, एक इंसान तो नहीं कर सकता ना, उसको क्या करना है, उसको लीड करना, मतलब उसको लीडरशिप दिखाना, कि लीड करना कि आपको फाइनेंस टीम को बताना, उसको गाइड करना कि हमको कैसे काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, उसको सपोर्ट करना, A to Z चीज इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, इससे हमारा क्या हो सकता है, हम कोऑपरेट कर पाते हैं अदर डिपार्टमेंट से, ऑपरेशन से, सेल से, ताकि हमको ये पता चलता है कि हमारे फ्यूचर में इतने सेल से हमको इतना पैसा मिल सकता है, ऑपरेशन में कितना लग सकता है, A to Z चीजें हमको इससे पता चल जाती है। नौवा पॉइंट जो यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों, वो दिया है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, टैक्स प्लानिंग करना है, मतलब हमको टैक्स को प्लान करते रहना है कि हमको कितना टैक्स देना है, टैक्स का रूल रेगुलेशन क्या है, हर साल टैक्स चेंज हो जाता है तो हमको कंपनी पर कितना फाइनेंस का रिस्क होगा, कितने परसेंट इनकम पे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का यहाँ पे एक मैनेजमेंट करना, वो भी एक फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करे। ठीक है, दसवां पॉइंट है दोस्तों, एक एक करके मैंने बहुत सारे पॉइंट बताया आपको, जो अच्छे लगे वो 6 पॉइंट एग्जाम में लिख दीजिएगा, 110% आपको नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है दोस्तों।